हेलो, स्वागत है आपका अनुपमा भोजनालय चैनल पे। आज की रेसिपी लेकर आई हूँ आलू और बैंगन की मसालेदार सब्ज़ी। ये देखिए कितनी स्वादिष्ट और कितनी अच्छी दिख रही है हमारी ये सब्ज़ी। अगर आपको भी जाननी है ये रेसिपी तो मेरे आगे की वीडियो को पूरा देखें। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। तो आइए देखते हैं कैसी बनती है ये लाजवाब सब्ज़ी। इसके लिए मैंने ली हुई है ये आलू, उबाल कर इसे छील लिया है और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में से तोड़ लिया है। साथ ही मैंने टमाटर लिए हैं और ये बैंगन को मैंने देखिए कुछ इस तरह से पीसेस में कट कर लिए हैं, बड़े बड़े पीसेस में कट करके लिया हुआ है। आइए इसके बनाने के लिए मैंने 3 चम्मच के करीब मैंने सरसों को तेल गर्म कर लिया है। हीट को आप मीडियम पर रखें, मीडियम हाई हीट पर, और बैंगन को इसमें डाल दें। बैंगन को डालकर मैं इसे अच्छे से तेल में मिक्स करूंगी और इसे तेल में मिक्स करके इसमें थोड़ी सी बिल्कुल हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक इसमें मैं डालूंगी और इसे डालकर इसे हल्दी और नमक के साथ इसे इसमें मिक्स कर देंगे। इसे मिक्स करते हुए हम इसे मीडियम टू हाई हीट पर 2 मिनट के लिए भूनेंगे। 2 मिनट बाद देखिए मैंने इसे बीच बीच में चलाया था, गोल्डन फ्राई हो गए हैं और इसे अब हम बाहर निकाल लेंगे। ये बिल्कुल 90% तक कुक हो गए हैं और इसे अब हम ग्रेवी के साथ थोड़ा पकाएंगे। इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। इसी में हम अब आगे आलू फ्राई करेंगे। ये देखिए इसे बाहर निकाल लिया है बिल्कुल गोल्डन फ्राई करके। अब इसी में थोड़ा सा तेल बचा हुआ है लगभग 1 चम्मच के करीब, इसी में हम आलू डाल देंगे। उबले हुए आलू को डालकर इसे भी हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। इसे हाई हीट पर मैंने 2 मिनट के लिए फ्राई किया है। इसमें हल्दी डालने की ज़रूरत है नहीं, थोड़ा सा इसमें हम नमक डालेंगे कि कलर तो ऑलरेडी है, पहले से ही तेल में था हल्दी। और इसे भी इसमें मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए इसे गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। बीच बीच में चलाकर इसे मैंने भुना है, देखिए ये भुनकर बिल्कुल रेडी है और इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए आलुओं को भी मैंने बाहर निकाल लिया है और इसी कढ़ाई में अब हम 3 बड़े चम्मच के करीब तेल गर्म होने के लिए रखेंगे। इधर देखिए मैंने आलू और बैंगन को बिल्कुल फ्राई कर लिया है। ये 3 बड़े चम्मच तेल गर्म होकर रेडी हैं। अब इसी में 1/2 चम्मच के करीब जीरा और 2 तेज़पत्ते डालकर इसे चटकने देंगे। ये देखिए बिल्कुल चटक गए हैं। अब 2 बड़े साइज के प्याज को हम लंबे लंबे पीसेस में कट करके इसे डालेंगे और इसे भी हम मीडियम टू हाई हीट पर 2 मिनट के लिए भुनेंगे और गोल्डन रेडी करेंगे। गोल्डन जब तक हो जाए तब तक इसे हम बीच बीच में चलाकर भूनेंगे। हमारे प्याज भी देखिए 2 मिनट मैंने इसे भुना है, ये बिल्कुल रेडी है। अब इसी में हम डालेंगे ये अदरक लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट है। मैंने 20 से 25 कली लहसुन और 1 इंच अदरक लिया था और 4 से 5 लाल मिर्च को पेस्ट को रेडी किया था। अब इसी के साथ इसमें सूखे मसाले जाएंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर डाला है। साथ ही इसमें 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मैंने नमक डाला है। आप नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें और इस मसाले को अभी हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। इस मसाले को 2 मिनट के लिए लो हीट पर हम इसे कुक करेंगे। ये देखिए 2 मिनट मैंने मसाले भुने हैं, बिल्कुल अदरक लहसुन बिल्कुल अच्छी तरह से भुन गए हैं और तेल भी ऊपर आ गया है। इसी स्टेज पर मैं 2 बड़े साइज के टमाटर भी लंबे लंबे पीसेस में कट करके डालेंगे और साथ ही थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च अच्छे कलर के लिए डालेंगे और इसे इसमें मिक्स करेंगे और लो हीट पर इसे हम 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जब तक टमाटर बिल्कुल गल जाते हैं तब तक इसे हम भूनेंगे। ये देखिए टमाटर बिल्कुल गल गए हैं और हमारे मसाले बिल्कुल तैयार हैं। कलर भी मसाले का चेंज हो गया है और तेल भी बाहर आ गया है। इसी स्टेज पर हमने जो आलू फ्राई करके रखे हुए थे उबले हुए आलू, इसे इसमें डाल देंगे।
इन मसालों के साथ आलुओं को भी हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। देखिए इस मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करके इसे हाई हीट पर हम एक मिनट के लिए मसाले के साथ हम भूनेंगे ताकि आलू में मसाले बिल्कुल अच्छी तरह से लिपट जाए। से चला बीच बीच में चलाकर हम इसे भूनते रहेंगे। देखिए एक मिनट मैंने इसे भून लिया है और इसी स्टेज पर हम इसमें एक गिलास के करीब गर्म पानी डालेंगे और इसे पानी के ग्रेवी के लिए हमने पानी डाला है और इसे इसमें भी मसाले और पानी में से मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करते हुए और साथ ही हमने जो बैंगन फ्राई करके रखा हुआ था इसे भी इसी में मिक्स करेंगे और इसे डालकर बैंगन और आलुओं को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और इसे मिक्स करके एक मिनट के लिए हम ढक्कन लगाकर लो हीट पर इसे कुक करेंगे। देखिए एक मिनट मैंने इसे लो हीट पर कुक किया है। ये सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल मसालेदार लजीज सब्ज़ी बनकर रेडी है। आप भी इस तरह आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाकर तैयार करें और इसे रोटी पराठे या चावल के साथ इसे एंजॉय करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए इस तरीके से बनाकर देखें तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।